गाइस नहीं आ रहा है, गाइस देख सकते हो आप लोग भाई के हाथों की स्वादिष्ट मालवनी स्पेशल राजमा खा के। धनिया की भाजी है ये मेरा आदि। तो गाइस मम्मी को खुशी वाला अगर अच्छा लगता है, दुखी वाला नहीं। हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आदि ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरा भाई कुछ बनाने वाला है रेसिपी, तो आइए भाई से पूछते हैं भाई क्या बना रहा है, क्या बना रहा भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं बनाने जा रहा हूँ मालवनी स्पेशल राजमा। आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा अपना मालवनी स्पेशल राजमा में। तो गाइस सबसे पहले आपको टमाटर काटने है, कांदा इसमें लगने वाला है, मिर्ची लगने वाला है और बॉइल आलू लगने वाला है। और ऑलरेडी भाई ने तेल में क्या बोलते हैं इसको, तेज पत्ता और जीरा फ्राई किया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको जीरा डालना है, तेज पत्ता डालना है, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपको तैयार कर लेने, रेडी कर लेने। तो गाइस अभी डालेंगे कांदा, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे, ज्यादा नहीं पकाने का कांदा वरना जल जाएगा। हल्का सा ब्राउन करके फिर उसके बाद डालेंगे अपन मिर्ची, हरी मिर्ची। बाकी दूसरे जगह आप देख रहे हो इधर दूध चढ़ा है, तो आज मम्मी के लिए स्पेशल। तो गाइस ये कल हम मार्केट गए थे, ओट्स लेकर आए स्पेशली। मम्मी को क्या है, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा बोलते ना वीकनेस है और एनर्जी वगैरह थोड़ा कम है, तो वही बोला कि थोड़ा ताकत वाली चीज़ दो। तो हमने बोला सोचा कि ओट्स ट्राई करते, तो फिलहाल ओट्स लेके आए हम लोग। और अभी ये हो गया अपना ऑनियन डाल चुके हैं, ऑनियन अभी उसका पूरा चॉकलेट ही बनाएगा ऑनियन में, उसके बाद हम डालेंगे मिर्ची। भाई ये मैं सुना हूँ कि है ना ऐसा दूध ऊपर आता है ना तो बेलन रख देने का, दूध ऊपर नहीं आता है। ट्राई करते हैं गाइस, मैंने एक देखा था यूट्यूब में, हाँ ऐसे बेलन रख देने का ये दूध ऊपर नहीं आएगा। देखो मैंने यूट्यूब में देखा था, शॉर्ट्स में देखा था, ये अप्लाई किया मैंने, ये वर्क कर रहा है। तो आप भी घर पर अगर दूध वगैरह उबाल रहे हो ना, किधर गैस चालू करके चले जाते हो, तो ऐसे ऊपर से बेलन रख देने का, हाँ दूध बाहर नहीं आएगा, फास्ट भी रहेगा तो बाहर नहीं आएगा। देखो मैं फास्ट किया, देखो हाँ देखो ट्राई मार दे गाइस, गाइस नहीं आ रहा है, गाइस देख सकते हो आप लोग, ये देखो गाइस दूध बाहर नहीं आ रहा है सच में यार। मैंने ना वो लेडी ने डाला था वीडियो, तो मेरे को लगा था कि ये सब नहीं, तो मेरे को क्या लगा था मालूम है गाइस, ये ना ऐसी है, ये नॉर्मली ऐसे ही है। ये देखो ये देखो गाइस फुल फ्लेम में पूरा, लेकिन पूरा बाहर नहीं जा रहा, लेकिन ये वर्क कर रहा है। हिसाब से देखा जाए तो आप दूध गर्म करने रखते हो ना, किधर चले जाते हो के भूल जाते हो, कुछ कर हो जाता है तो साड़ी इसमें लग जाती है, बाद में इसका उंगली में लेके आपको क्या खा लेना है, फेंकना नहीं है। उसके बाद जाएगा अपना, इसको भी ज्यादा पकाना नहीं है मिर्ची। ये रेसिपी ना गाइस, ये मालवनी स्पेशल राजमा की रखा मालूम है, क्योंकि मेरा भाई बना रहा है, ठीक है। और मेरा भाई बना रहा है तो कुछ अलग ही नाम रहेगा ना भाई, भाई के हाथों की स्वादिष्ट मालवनी स्पेशल राजमा खा के। श्वेता बोल रही है रोटी का ही ब्लॉग बना रहे यार, कुछ स्पेशल बनाओ रोटी में, कुछ स्पेशल बनाओगे तो ब्लॉग बनाएंगे ना, रोटी के अलावा कुछ स्पेशल। हाँ चलो आज बनेगा गोल रोटी का ब्लॉग बनाने बोल रही है, नहीं बनाने का मेरे को गोल रोटी का, वो तो नॉर्मल सबको ही बनाता है गोल रोटी, कुछ अलग बनाओ ना। नहीं किस किस की रोटी टेढ़ी होती है मेरी, तुम्हारी टेढ़ी होती है। चलो गाइस देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे, रोटी का भी ब्लॉग बना देंगे। और ये रेसिपी भी मैंने सिखाई हुई है, ये रेसिपी जो है ना सही में सिखाई है। हाँ हाँ तो ये रेसिपी है श्वेता की और बना रहा है मेरा भाई, अरे बाप रे मेरे जैसा कोई नहीं बना पाता। तो गाइस अभी जाएगा टोमेटो, टोमेटो डालेंगे थोड़ा। रेसिपी ध्यान रखना गाइस, पहले जीरा, तेज पत्ता, फिर कांदा, फिर मिर्ची, उसके बाद में गया टोमेटो, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको, आपके जितने भी घर में रहेंगे सदस्य हो उसके हिसाब से आपको ये सारी मटेरियल्स लेने। हमारे घर में तो 6 लोग हैं खाने वाले, तो हमने वो हिसाब से मटेरियल लिया है। तो ये बेलन छाटो ना, बैठ के लो ना, अरे लो ना बेलन साफ करो ना, छाटो उसको, मलाई है, मलाई है पूरा, उसको उंगली से लेके दिखा दे, जादू नहीं, जादू रख दे
मंजन किए क्या नहीं दूध ऊपर नहीं आता टच हुआ नहीं नहीं हुआ टच श्वेता ओट बना रही ऊट अरे ओट में भी ओट बनाने के लिए खाने के लिए मस्त ठीक है ये गरम घर में भी जिम खुल गई है अभी इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डालेंगे मिठास के लिए तो और ज्यादा मजा आएगा खाने ओट्स कम लग रहा थोड़ा और डाल वो पकेगा अभी और थोड़ा पकता है वो बहुत होता है वो चावल की तरह हाँ भाई मैंने देखा नहीं कभी ओट्स मैं नॉर्मली ऑफिस में बैठ के मेरा एक दोस्त लेके आता था ठीक है ऑफिस में तो बैठ के मैं ऐसे कच्चा खाते रहता था अच्छा लगता था इंग्लिश में ओट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको दलिया बोलते हैं अच्छा हाँ ये दलिया है अपने इधर की लेकिन बहुत प्रोटीन होता है ज्यादा करके ये बच्चों को खिलाते ये मटेरियल पूरा एकदम सही पूरा तैयार होगा अभी इसके अंदर जाएगा क्या मालूम है क्या आलू जाएगा ना भाई अभी आलू नहीं जाएगा मसाला डाल के पका देंगे फिर उसके बाद अपना राजमा और आलू डाल देंगे थोड़ा हाँ तो ये मसाला क्या क्या डालेगा बता के डाल अपने भाई लोग को सबको भाई बहन लोग भी वीडियो बनाने वाले ना हल्दी डालेंगे हल्दी रेसिपी कहाँ कहाँ जाती है जरा हम भी देखे जरा कितनी दूर जाएगी हल्दी कितना डालना है एक चम्मच स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालना भाई हाँ तो ये हल्दी चला गया हो गया बाबा इसके बाद ये चिली पाउडर हल्का सा डालेंगे चिली पाउडर अपने बस उसमें भी रहेगा ना हल्का सा डाल देगा अपन ग्रीन मिर्च डाले ये अपना गरम मसाला हल्का सा मसाला ये मसाला ज्यादा मना किया है डॉक्टर ने खाने के लिए सबको मना है ज्यादा मसाला नहीं खाना कितना बज रहा है अभी तो मसाला अभी तो गाइस अभी मसाला डाले भाई ने तो मसाला ना मसाले को अच्छे से भून दिया भाई ने और श्वेता इधर अलग परेशान हो रही है क्या हो श्वेता कुछ नहीं आई श्वेता ये क्या बना क्या धोने देते अरे उसका मलाई चाटे क्या नहीं तुमने पहले बताओ देखो ये ना गाइस हमारे से मतलब दोनों की नजर से दूर जाके उधर पीछे जाके ना ऐसा बेलन लेके ना ऐसा जुबान से मलाई चाट रही थी पूरा बेलन साफ कर गई थी धोने नहीं धोने नहीं हाँ हमारा सीसीटीवी हो गया रेडी दलिया हो गया ठीक है तो गाइस मस्त हो गया पक के एकदम कम हो गया अब इसको खाने मजा आएगी गाइस ये होता है सुबह का रूटीन मतलब टिफिन के लिए लेट होता है यार तो जल्द से जल्द बनाना पड़ता है लेकिन आज बन रहा है अपने भाई का स्पेशल राजमा मुंबई मसाला राजमा हाँ मसाला पूरा अच्छे से भाई ने भून दिया और ये राजमा का पानी ना गाइस वही है जिसमें उबाले थे ये राजमा का पानी जो उबाला था तो वही पानी इसमें डालेंगे तो ज्यादा मजा आएगा तो ये भाई बहुत ज्यादा उबाल दिया तुमने लग रहा है ये मैंने नहीं उबाला था एक्चुअली पापा उबाले हाँ तो ये गाइस ये खाना बनाने में ना ये रेसिपी बनाने में ना सभी का हाथ लगा है मेरे पापा ने राजमा उबाला है आज ना श्वेता गाइस ना आज श्वेता बहुत स्पेशल रोटी बनाने वाली है रोटी का नाम बताओ रोटी का नाम तो बताओ अब ये चला गया अपना आलू गाइस इसको थोड़ा सा घुमा के नमक डाल के बस बंद कर देना पकने देना उसको मिक्स कर देना ना पूरा हल्का सा देखना है पानी कम रहेगा तो पानी डाल देना हाँ गाइस तो ये थोड़ा रसा टाइप बनेगा क्योंकि इसको ना अपन को चावल रोटी के साथ सबके साथ जम सके ठीक है तो आप भी ट्राई करो कि मतलब अगर आपको ना रसा टाइप का बनाना है तो थोड़ा पानी अपने स्वाद अनुसार अपने हिसाब से थोड़ा डालना ठीक है और चलो मैं गैस खाली कर दी बाकी चावल के साथ और रोटी के साथ दोनों के साथ मजा आती खाने राजमा को तो हम लोग को दोनों के साथ बना रहे हैं ये देखो ये अभी आके इसको 10 मिनट हुआ है और उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे 2 घंटे से सब्जी चढ़ी है तो आप लोग बताओ मेरे को 2 घंटे से कोई सब्जी चढ़ती है तो गाइस ये कढ़ाई जा रही है यहाँ पे कढ़ाई ट्रांसफर क्योंकि वहाँ पे बनने वाली रोटी ठीक है तो इसको अभी धीरे फ्लेम में रखना है मीडियम में मतलब थोड़ा बस को ढक देना अच्छे से थोड़ा और जाएगा
बस हो गया। तो गाइस ये बढ़िया नमक और ये हो गया गैस फास्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको हिला देना, हल्का सा मूवमेंट है, सिर्फ हल्का सा पानी डाले। भाजी सारी पकी हुई, राजमा भी और आलू सब बॉईल किया हुआ है, बस पानी डाल के थोड़ा पानी को पकाना है, जो मसाले नमक गए ना उसको थोड़ा देर पका देना है, 5 मिनट के लिए आपको रख देना है। ऐसा ये सब मटेरियल मिल जाएगा, उसके बाद आपका राजमा तैयार। सब्जी तैयार होने के बाद उसमें पड़ेगा धनिया अपना, कोथमीर, उसको अपन मुंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं कोथमीर, ठीक है। और देखो ये थोड़ा ग्रेवी टाइप भी है और थोड़ा सूखा टाइप भी सब्जी, मतलब रोटी चावल दोनों के साथ आप खा सकते हो। वाह, धनिया डालने से गाइस बहुत अच्छा स्वाद आ रही है। तो ये अपनी तैयार हो गई है मालवनी स्पेशल राजमा, और वहाँ तैयार हो रहा है मालवनी स्पेशल रोटी। अरे तो क्वांटिटी देखो ना भाजी की, तो धनिया भी ज्यादा पड़ेगी ना उसमें। धनिया की भाजी है ये देखो, ये रोटी बना रही, देखो गोल गोल रोटी। अरे वाह, ये देखो इसका मैप कहाँ जा रहा है, ये रोटी देखो कहाँ जा रही है। अब लेट हो रहा है ना, इसलिए लेट हो रहा तो रोटी आड़ी टेढ़ी बन रही है। अरे ये राजमा देख लो, और वो रोटी के राजमा शर्म करेगा, रोटी खाएगा कौन सी रोटी के हाथ में खा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे दलिया तैयार हो गया, मम्मी खा रही है दलिया। हाँ उधर घुमा रहे, एक खाओ दे मम्मी, खाओ खाओ घुमा रहे थे, रुको पहले वही मत खाओ, खाओ ना। तो ये हमने बनाया इसके लिए, ऐसा बना है, मम्मी बोलती है इसको थोड़ा और पतला करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा पतला होता है, गाढ़ा हो गया था, कोई नहीं, पहली बार बनाया हमने, तो ये नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे चीज का और अच्छे से बनाएंगे। अभी कैसा लग रहा है खाने में, खाने लायक है क्या? नहीं तो मतलब थोड़ा स्वाद आ रहा है, मीठा बन लग रहा है कि नहीं? हाँ तो खाके दिखाओ जरा एक चम्मच। तो ये प्रोटीन मम्मी को दिया जाएगा कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक, ताकि मम्मी का जो भी वीकनेस है ना बॉडी का, वो वीकनेस खत्म हो जाए। तो गाइस यहाँ पे चल रही आदित्य की मालिश, ये नकली वाली मालिश, इसको मजा आती मालिश करने में, देखो हंस रहा है, देखो देखो, तो नकली मालिश चल रही है मम्मी करेंगे असली मालिश अचानक बच्चे लोग को बनाना पड़ रहा है तो बना रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक भी होगा तो संभाल लेंगे। और डैडी ने आधा भिगाया, डैडी ने और उबाले भी डैडी ने, भाई ने मसाला बनाया। देखो ये कुछ डब्बे का ढक्कन है, ये कुछ डब्बे है, और ये हमारा आदित्य खेल रहा है, ये हमारा आदित्य सिर्फ उधर ही देख रहा है, तुम इधर तो देखो, अपने सब्सक्राइबर को बोलो हाय हाय गाइस। गाइस उसके जूते देखो बटरफ्लाई वाले, गाइस ये देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये बटरफ्लाई। गाइस खाना लेके जा रही है, गाइस चुरा के खाना लेके जा रही है, देखो अभी मैं सो के उठूंगा ना तो पूरा खाना खत्म। देखो गाइस ये देखो 3 डिब्बे निकल गए, ये देखो चावल भरी, ये वो दवा दवा के चावल भर रही है गाइस। अरे 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 बाप रे गाइस, कितना चावल भर दी, अरे 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 दवा दवा के चावल भर रही हूँ। ये मेरा आदि ओमोसे, क्या बोलते, जय श्री राम। तो यार मैं बताता हूँ एक्चुअली ना क्या है कि श्वेता ना रो रही है, तो श्वेता क्यों रो रही है ये चीज ना श्वेता ही बताएगी, ज्यादा बेटर है, ठीक है, उससे पूछो जरा क्यों रो रही है। नहीं गाइस मैं बता दूंगा श्वेता क्यों रो रही है, श्वेता को लगी है भूख और बज गए 8, तो इसकी वजह से श्वेता रो रही है, और चाय भी नहीं पी अभी तक। तो ये देखो चेहरा, बाकी इधर मम्मी मम्मी तोड़ दिए मेथी, बाबू यहाँ पे खेल रहा है, बाबू खेल रहा है, वो हमारी आंटी आए, गाइस मम्मी को खुशी वाला अगर अच्छा लगता है, दुखी वाला नहीं। 50 साल
ठीक है गाइस, बाकी डिनर की तैयारी हो रही है। इसी के साथ हम इधर वीडियो को करते हैं क्लोज। मैं इतना गरीब है घर में, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, आई तो हमें देखो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय।